हाय एवरीवन, तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये पूरा जो वीडियो है मेरा, इसका एक दिन पहले वाला क्लिप है। मेरे पास था तो मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बाबू का न्यू सेशन का, न्यू क्लास का बुक्स वगैरह लेने। तो यहाँ पे मुझे बिल मिल गया है और अभी मैं यहाँ से इसका कॉपी किताब लूँगी। मेरे पास था ये पुराना, एक दिन पुराना क्लिप है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हमारा कॉपी किताब रेडी हो रहा है, मिल रहा है, और मैं लूँगी और घर जाऊँगी। तो ये जो पूरा वीडियो है ना, आगे जो वीडियो देखेंगे उसके एक दिन पहले का है ये। तो चलिए, हमें हमारा कॉपी किताब मिल गया है, अब चलते हैं घर। बाबा बहुत भारी है, चलो पकड़िए इसको, बहुत भारी है। चलिए एक बिंदी लगा लेते हैं। क्या है बेटा, आपने पिया? चलिए घर का पूरा काम कर लेते हैं, आज संडे है। एंड आज सुबह से मेरे घर में क्लीनिंग चल रहा है, फिर भी अभी आफ्टरनून हो गया, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मेरा सोफ़ा हमेशा ही भरा रहता है, कभी बैठने का जगह नहीं होता है, सारा काम हो रहा है। एंड थोड़े से कपड़े हैं, इन सबको मैं फोल्ड कर लेती हूँ। ब्लैंकेट में कहाँ रखेंगे यार, ब्लैंकेट में भी कहाँ, ड्राई क्लीन को ब्लैंकेट सोफा पे रखा हुआ ना, पूरा भरा हुआ रहता है। मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, अरे मैं बाद में खा लूंगी। इधर आइए, आप इधर आइए, अकेला खाइए और इधर आइए, आपको काम दे रही हूँ, बाद में खा लूंगी। इधर आइए, आप अपना काम करिए, आपके जितने भी कपड़े हैं सबको फोल्ड करके आप अलमीरा में रखिए। बहुत काम है, ठीक है बेटा, हेल्प करना पड़ेगा। सारे ठंडे के कपड़े भी अभी तक बाहर ही है, विंटर वाला देख रहे हैं बाबू का, ये सब बाहर ही है। आपका जैकेट देखिए, आपका जैकेट भी बाहर ही है। ये चेयर का कवर है, क्या कर रहा है, चाहिए तो चेयर पर। एंड ये है बाबू का फिफ्थ क्लास का न्यू सेशन वाला कॉपी किताब, जो कि आगे इसमें कवर भी लगाना है। बाबू ये लीजिए, आप इसका कवर निकाल के रखिए, मैं आती हूँ फिर लगाऊंगी, ठीक है? आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ निकाल के रखिए कॉपी। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अभी है, आज है संडे वाला दिन, छुट्टी का दिन है, लेकिन संडे दिन तो ऐसा लग रहा है कितने महीनों से हमारी लाइफ में संडे आया ही नहीं, कोई रिलैक्स संडे दिन जो रिलैक्स होता पहले जैसा होता था ना, अभी तो हो ही नहीं रहा, इतना हैप्टिक। आज सुबह से क्लीनिंग चल रहा है लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। इधर बाबू अपना बुक्स लेके बैठा हुआ है, ये इसका न्यू सेशन का, इसका न्यू क्लास वाला बुक सब आ गया है। तो सब में मुझे ये करना है, कवर भी लगाना है, एंड बाकी सब काम हो चुका है। अब चलते हैं किचन में, और यहाँ पे हमारे कपड़े भी वॉश हो रहे हैं। एंड ये सूखा नारियल, आज मुझे ठकुआ बनाना, इसको कट कर दीजिएगा, छोटा छोटा कट करिएगा। और आज मुझे ठकुआ बनाना है, जिसके लिए इधर नारियल भी कट हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है चूड़ी है, ये बैंगल्स जैसा लग रहा है देखो। तो इसके लिए नारियल भी कट हो रहा है। लंच के बाद हमें ठकुआ भी बनाना है, पहले लंच बना लेते हैं। तो चलिए अभी हम अपने किचन में आ गए हैं, फटाफट से लंच बना लेते हैं। कुछ हमारा बन भी गया है, कुछ बाकी है। आज हमारे घर बना है खाने में आलू एंड सोयाबीन की ग्रेवी वाली सब्जी, आलू बॉईल करके जो सब्जी बनता है ना ग्रेवी वाला, एंड इसमें मैंने ढेर सारा टोमेटो डाला है। मुझे ना सब्जी में टोमेटो डाल के बहुत पसंद है, खासकर ये छोला होता है, चने होते हैं, सोयाबीन की सब्जी होती है, इन सब में मुझे टोमेटो बहुत पसंद है। तो यम्मी वाला ये हमारा आलू एंड सोयाबीन की सब्जी है, एंड इसके साथ पहले इसको ढक देते हैं। एंड दूसरी तरफ हमारा इधर स्टीम राइस बन रहा है, ये भी हो चुका है, बस थोड़ी देर में ये हो जाएगा। तो ये रहा स्टीम राइस, एंड उसके बाद इधर मैंने पटल कट करके रखा है, इसका सिंपल वाला जो भाजी होता है ना, भाजी सब्जी नहीं भाजी, वो वाला बनाना है। एंड इसमें है हमारा दाल,
एंड इधर है हमारा ग्रीन चटनी जो थोड़ा ही सा बचा हुआ है एंड ये इसका सैलड बनाना है। तो यही सब है, चलिए फटाफट से हम अपना लंच पहले ख़त्म कर लेते हैं, बना लेते हैं। चावल का पानी भी निकालना होगा, ये हो चुका है। इतनी गर्मी है ना यार किचन में, हालत ख़राब हो जाता दोपहर। इस पटल का भाजी में फटाफट से बना लेती हूँ, फिर चावल हमारा हो गया है। स्टीम राइस को ना बार बार ऐसे करना पड़ता है, नहीं तो वो चिपक जाता, गीला हो जाता। गीला खाएं? हाँ मैं खा ली। लीजिए आप लोग खाइए जब तक। हाँ बेटा आप भी खाओ, खे लीजिए, हो गया धुल गया। तो चलिए हमारा वॉटरमेलन हो गया है एंड ये रहा मेरा, इतना कोई फेवरेट नहीं इसलिए मैंने ज्यादा नहीं खाया, थोड़ा ही सा खाया है। एंड तब से मैं जैसे ही कैमरा ऑन कर रही हूँ ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं, अजीब अजीब सा आवाज़ निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे मुंह बना रहे हैं कि मुझे बार बार कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है। तो चलिए, और उधर मेरा खाना भी बन रहा है, बन ही गया, थोड़ा सा बस भाजी चढ़ा हुआ है। हम सब ने नहा लिया है, रेडी हो गए मैं क्या करूँ, फिर मुझे कट करना पड़ेगा नहीं करूँगी कट, बार बार टाइम नहीं इतना। ये जो भी कर रहे हैं इग्नोर करिएगा, आज क्या हो गया है, संडे का हैंगओवर है। एंड हम सब देखें, हम सब लोग रेडी हो गए, नहा लिए हैं। एंड अब कब नहाना है आपको? नहीं नहाएंगे जानबूझ के बोल रहे हैं मैं वीडियो ख़राब करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं नहाएंगे, मैंने वीडियो ख़राब करने के लिए बोल रहे हैं ना, सच में नहीं नहाएंगे? कितनी बार कैमरा ऑफ करूँ यार, मैं 4-5-6 बार कम से कम कैमरा ऑफ कर चुकी हूँ, ऐसा ही कुछ ना कुछ बोल दे रहा है। अब मैं इसको कट नहीं करूँगी, ऐसे ही रहेगा जो भी है, मैं कट नहीं करूँगी, कट करूँगी फिर मैं स्टार्ट करूँगी फिर ये कुछ बोल देंगे, इसलिए रहने देती हूँ। चलिए हम जा रहे हैं खाना बनाने, और जल्दी से अपना ये खाना बन गया है। एंड पहले मैं कितना रेडी होकर के वीडियो बना दी थी ना, जाना कोई ऐसा वीडियो था जिसमें मेरा आँख में काजल ना हो, नेल पॉलिश, हाथ इतने लंबे लंबे नेल्स होते थे मेरे, उसमें एक इतना डॉट भी नेल पॉलिश नहीं हटा रहा था। और अभी देखिए मेरा हाथ, देख हाथ का हाल देखो, काजल नहीं, कुछ भी नहीं, शैम्पू करके नहाई हूँ और भीगा वाली ऐसे बांध ली और काम करने लग गई। इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, इतना हैक्टिक हो गया, अभी भी
जल्दी जल्दी से लंच करने के बाद फिर 5 बजे हमें निकलना है घर देखने, घर देखने और बहुत सारा काम है। ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ में संडे आ ही नहीं रहा है, 2-3 महीने से संडे है ही नहीं। लाइफ में संडे होना बहुत ज़रूरी है और हमारे लाइफ में 2-3 महीने से ऐसा है कि आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इनका तो ठीक है, इनका तो एक जैसा ही है, मेरा ऐसा हो गया है, हैक्टिक हो गया है ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सडन बहुत बढ़ गई है। इन लोग को खाने देते हैं, हम चलते हैं किचन में, अपना बचा हुआ काम कर लेती हूँ। ये जो कटहल का भाजी में जब तक रूम में चली गई वाटरमेलन लेके, थोड़ा सा इधर ज़्यादा ही फ्राई हो गया है, तो इसमें मैं सिर्फ हल्दी नमक डाल के बनाऊँगी और कोई मसाले नहीं, थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट बस, और इसको ऐसे हमें फ्राई कर लेना है। जो है आज तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो जा रहा है। मैं रूम से आ रही थी, हमारा रिंग लाइट भी टूट गया, मतलब टूटा नहीं है, बार बार इसका ऐसा ही है प्रॉब्लम है। यहाँ से ना एक वायर बहुत पतला सा ना खिंच जाता है, ये ऑन है लेकिन इसमें देखो लाइट नहीं आ रही है, ऑन है लेकिन लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे अब इसको भी ठीक करना। आज मैं इतनी हड़बड़ाई हुई हूँ, उतना ही ज़्यादा मेरा काम बढ़ रहा है और मैं और ज़्यादा देर भी हो रही है। इसको खोल के, इसको यहाँ से खोल के और फिर वेल्डिंग करना पड़ेगा, तब हमारा रिंग लाइट सही होगा। अभी हाँ सब बंद है, अभी 5:30 हो रहा है एंड हम लोग अभी निकल रहे हैं। वैसे तो जा रहे हैं घर देखने, बट घर का कुछ भी मैं शेयर नहीं करूँगी, बेकार का फालतू का घर। जब मैं जिस घर में मैं इंटरेस्टेड होंगी, कुछ पॉजिटिव मुझे लगेगा कि हाँ फाइनल डन जैसा, तब मैं घर दिखाऊँगी, ऐसे घर नहीं दिखाऊँगी अभी। लेकिन रिकॉर्ड नहीं करूँगी, जा तो रही हूँ घर ही देखने एंड उसके बाद एक जगह पे मेला लगा हुआ, वहाँ पे जाएंगे। कहाँ लगा है जाना मेला? मेला के लिए हेलमेट, मैं हेलमेट नहीं पहन सकती है, सब करके बाल बांध लिया मैंने। 5:30 हो गया, हमें 5:15 में बुलाया था, ये इनकी वजह से देर हुई है, इनकी वजह से। ट्रिपल आर देख रहे थे जिस वजह से इन्होंने देर करा दिया है। आर आर आर, चलिए चलते हैं घर देख के आते हैं। एक मिनट, मैं ठीक से नहीं बैठी, एक मिनट, ये लंबा वाला ड्रेस है ना, एक मिनट। हाँ हाँ चलिए। हाँ मेला ख़त्म हो गया, हम इतना दूर से आए, ये इन सब में ही मेला लगा हुआ था, लाइट लगा हुआ था, देखो अंदर की तरफ मेला था, सब ख़त्म हो गया। देखो यही पे मेला था, ये वाला ख़त्म है। देखो 2-4 दुकान है, नहीं जाना, क्यों जाना यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, इतना जल्दी मिला कि 2 दिन पहले तो था, 2 दिन का एक दिन ना खुला है, यही है ना मंजिल। चलिए ये है क्या एग्जीबिशन, कम से कम ये तो खुला है, चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए मेला तो नहीं हो पाया बट यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, चलते हैं अंदर एंड आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मंजिल लिखा हुआ, मंजिल ये है गेट एंड सबसे पहले यहाँ पे मिल रहा है ढेर सारा पान का स्टॉल है एंड देन उसके बाद ढेर सारे दुकान एक लाइन से है। एग्जीबिशन में तो जो होता है हैंड, हाथ से बना हुआ चीज़ सब स्टॉल लगाते हैं सब। चलिए इधर इयररिंग्स है, कपड़े हैं, ये देखिए
सब कुछ हाथ से बना हुआ चीज़ सब है। तो यहाँ पे हैंड वॉश मिल रहा है, हैंड वॉश है ना। सब नेक पीस सब है ये सब। इधर कुर्ती है, इधर प्लांट है, प्लांट है, इधर भी प्लांट है। संपास किचन। अच्छा ये इधर कुछ खाने का स्टॉल है, इधर भी खाने का स्टॉल है। ये सब सब खाने का स्टॉल है, स्नैक्स सब। ये भी खाने का स्टॉल। चलिए अब दूसरे साइड चलते हैं। ये देखो बच्चे को। वाओ रखे हैं अपने अपने चीज़ों का, हर तरीके का चीज़ है इधर, खाने का, कपड़े का, ज्वेलरी का, पर्स, बैग, जूता, अचार, क्या क्या होता है ना, सारा कुछ है। देखो सब कुछ है। ये अरे मैं मेरी बार बार मेरी नज़र उसके ऊपर जा रही है, इतना अच्छा इतना प्यारा डांस कर रही है ना यार, मेरा तो बार बार उसके ऊपर ही नज़र जा रहा था। भगवान एक बेटी देते और क्या चाहिए बताओ, इतनी प्यारी इतनी सुंदर छोटी सी, वाह तो देख के इतना, मैं कहीं भी देखती हूँ ना ऐसे छोटी लड़की को, बेटी को, लड़की को, तो मुझे बहुत ऐसा मैं इमोशनल हो जाती हूँ। बहुत बहुत मेरा बहुत शौक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे लड़की, बहुत बहुत अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। चलिए अब चलते हैं घर, हो गया यहाँ का, देख लिया सब कुछ, सोने के पीछे चलते हैं घर। ये गजरा वाला फूल है, कौन सा क्या नाम है, बेला, 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 जो गजरा में लगाते हैं ना, जो बाल में लगाते हैं, इतना अच्छा इसका स्मेल है ना, आवाज कम करो, ट्रिपल आर पागल बना देगा, सारा दिन ट्रिपल आर चल रहा है मेरे घर में, इसको मैंने अपने फूल सर में लगा लिया। चलिए अब जो है अब चलते हैं ठकुआ बनाने में, बाहर से आ गई हूँ एंड इनके लिए ठकुआ बनाना है, और ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा, इनको ऑफिस में लेके जाना ठकुआ, लेकिन थोड़ा सा भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा, थोड़ा तो आप आटा ठकुआ कहीं कर दीजिए ना, नहीं करेंगे इनके लिए, ऑफिस के लिए मैं ठकुआ बना रही हूँ अभी इतनी रात को, लेकिन थोड़ा भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो चलिए ठकुआ बनाते, मेरा कोई मदद नहीं करता, अकेले ही करना है। अच्छा तो ठकुआ बनाने का मैंने सारा सामान यहाँ पे निकाल लिया है, ये है मैदा एंड ये देखो बिंदी, उस टाइम में रेडी हो रही थी ना तो मैंने हाथ पे चिपका दिया, तो मैदा और थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही मैदा लिया है क्योंकि इसी में से मुझे ऑफिस में भी देना है। एंड इधर है ढेर सारा नारियल, बहुत सारा नारियल, मैंने एक जो ख़रीद के लाई थी ना वो पूरा ही है,
और ये मैं पूरा ही डाल दूँगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ढेर सारा नारियल है, ऑयल एंड यहाँ पे चीनी बस। तो चलिए फटाफट से हम अपना ठकुआ बनाते हैं। ये गया इसमें नारियल, पूरा नारियल मैं इसमें ऐड करती हूँ। एंड खास्ता करने के लिए ऑयल देना है अपने हिसाब से। तो चलिए इसमें गया ऑयल, डालने वाले घी भी डालते हैं, मुझे ऑयल ही अच्छा लगता है। तो ये गया ढेर सारा इसमें ऑयल, और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मैं और भी बाद में दूंगी। एंड पहले इसको हाथ से मिक्स करेंगे, देन उसके बाद में मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। एंड आज सारा चीज़ मेरा रिंग लाइट ख़राब हो गया ना, सुबह को बताई थी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है, बट ठीक है। और सारा चीज़ मैं आज यहीं पर डाइनिंग में ही करूँगी क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सारा जो मिक्स करना होता है ना, सारा मैं यही करूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 मिनट तक अच्छे से करना पड़ता है मिक्स। सिर्फ फ्राई करते टाइम मैं किचन में जाऊँगी, तो मेरे हैंड अपना अच्छे से क्लीन पहले ही कर लिया था। एंड यहाँ पे मेरा बिंदी है, जब रेडी हुई थी ना तो मैंने बिंदी हटा दिया था उसने वाली। चलिए मेरा हाफ वैसे भी साफ है, तो सारे मिक्सचर को मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। एंड अच्छे से मिक्स करके फिर मैं आप लोगों से ना किचन में इसको फ्राई करते टाइम मिलती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे अगर पूरा मैं दिखाना स्टार्ट करूँ ना। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, सुबह से वीडियो स्टार्ट है, अभी रात हो गई है। तो चलिए मैं आप लोगों से किचन में मिलती हूँ, ये सब मिक्स करके फ्राई कर देते हैं। 10-15 मिनट तक मैदा को मैंने बहुत अच्छे से हाथ से मिक्स किया था, एंड थोड़ा सा बिल्कुल जरा जरा सा मैंने पानी उसमें छिड़का था। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़रा सा, नहीं तो वो चीनी के साथ वो खुद से ही ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता है तो डो बन जाता है। तो उसके बाद इस तरीके का मैंने डो बना लिया है, यहाँ पे भी है इधर। एंड उसका मैंने इस तरीके का एक शेप दे दिया है इसके साथ, ये जो जिसमें ये कर चिप्स बनता है ना, इसके साथ मैंने इसको एक इस तरीके का शेप दे दिया है। एंड चलते हैं अब इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। अच्छा तो चलिए हमारा ठकुआ भी बन के रेडी हो गया है, और बहुत टाइम लगा है बनाने में क्योंकि ढेर सारा था, मैंने दो जगह पे बनाया है। ये है घर के लिए मैंने रखा है, मतलब एक ही एक जैसा ही है लेकिन मैंने दो जगह पे रखा है। ये घर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, एंड ये जो है ये ऑफिस के लिए जो थोड़ा सा कम है। तो दो जगह पे मैंने बनाया है, एंड बहुत लेट नाइट हो गया है क्योंकि इन सबको फ्राई करने में बहुत टाइम लगा। पहले तो इसको अच्छे से मिक्स किया, फिर शेप दिया, फिर फ्राई किया। तो चलिए फाइनली हमारा ठकुआ बन के रेडी है, एंड बहुत टाइम हो गया है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बहुत ज़्यादा यम्मी है, सबने खा लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं इस वीडियो को यहीं पैन करती हूँ, मैं एक्सट्रीम टायर्ड हो गई हूँ, इतना ज़्यादा पाँव में दर्द हो रहा है ना, और ऐसा हैक्टिक रूटीन, ऐसा हैक्टिक, क्या संडे क्या मंडे एक जैसा ही हो गया है। और अब तो और ज़्यादा, जब भी स्कूल खुलेगी ना तो अब तो और ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। और ये है ठकुआ, ये रहा एक वो, और एक ये दो जगह पे मैंने बनाया है। और इस वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो कम से कम एक घंटा का हो गया। इस वीडियो को मुझे इतना एडिटिंग करना पड़ेगा ना, बहुत सारा क्लिप मुझे हटाना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ मुझे कट करना पड़ेगा, तब जा करके देखने लायक वीडियो होगा। बहुत लंबा मैं सुबह से वीडियो स्टार्ट कर रखी हूँ, और बहुत ऐसा होता है ना, बहुत ऐसा मोमेंट होता है जो हम कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, सबको हटाना पड़ेगा, बहुत टाइम भी लगेगा इसको एडिटिंग करने में। ठीक है, एंड ये वाला फ्लावर देखो, इतना अच्छा स्मेल है ना इसका, गजरे का कितना अच्छा स्मेल होता है वही है। एंड फेस देखिए ब्लैक ब्लैक लग रहा है। चलिए ठीक है, ओके बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।